नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी तक 1,65,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज प्रोजेक्टों का वह रखरखाव कर रहा है जिसपे टोलिंग की भी व्यवस्था है। इसके पहले NHAI ने अपने काम को कई चरणों में किया। इन चरणों को जानने के लिए आगे की स्लाइड देखते हैं। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में किया। परियोजना को पहले ही पास कर दिया गया था, मगर इसे औपचारिक रूप से सन 2001 में शुरू किया गया। पहला चरण सन 2000 में पास हुआ। इस परियोजना में 4 महानगरों और बंदरगाहों को जोड़ना है। इस परियोजना में 2 काम थे, पहला स्वर्ण चतुर्भुज योजना और दूसरा नॉर्थ साउथ और साउथ ईस्ट बंदरगाह, जिसकी अनुमानित लागत थी 300 अरब रुपया। दूसरे चरण सन 2003 में स्वीकृत हुआ। इस चरण में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट परियोजना के बचे हुए काम को पूरा करना और दूसरे 490 किलोमीटर के नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 343 अरब रुपए थी उस समय। फेज 3, ये तीसरे चरण का पहला भाग था जो सन 2005 में मंजूर किया गया। इसमें 4,035 किलोमीटर के रोड को 4 लेन में अपग्रेड किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 222 अरब रुपया थी। तीसरे चरण के दूसरे भाग को सन 2006 में मंजूरी मिली। इसे हम चौथा भाग भी कह सकते हैं। परियोजना में 8,074 किलोमीटर के रोड को 4 लेन में अपग्रेड किया गया। अनुमानित लागत 543 अरब रुपया थी। पांचवा चरण सन 2006 में स्वीकृत किया गया। इस परियोजना में 57,000 किलोमीटर 4 लेन को 6 लेन में अपग्रेड किया गया। यह परियोजना DBFO पर आधारित था। छठा चरण नवंबर सन 2006 में पास हुआ। इस परियोजना में 1,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का विकास करना था। अनुमानित लागत थी 160 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा। सातवां चरण दिसंबर 2007 में पास हुआ। जहां पर ज्यादा ट्रैफिक हो उन जगहों को टारगेट बनाया गया। उन जगहों पर रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण करना था। इसकी कुल लागत थी 167 अमेरिकी डॉलर।